गाइस दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम लोग डलहौजी पहुंच गए। होटल में रात को ही चेक इन कर लिया था और अब फाइनली घूमने के लिए निकल गए, डलहौजी एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। सबसे पहले तो खाना खाने जा रहे हैं, पास में एक होटल है, उसके बाद में जो आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। लंच के बाद हम पास में ही सेंट फ्रांसिस चर्च आ गए। हमें अभी सेंट फ्रांसिस चर्च के बाहर एंड ये 150 साल पुराना चर्च है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सेंट फ्रांसिस चर्च के पास में ही सुभाष चौक है। तो गाइस सेंट फ्रांसिस चर्च देख लिया और अभी हम लोग हैं ठंडी सड़क पे और हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल। यहाँ पे पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस और एक और सेंट जॉन्स चर्च है, वहाँ जा रहे हैं। सेंट जॉन्स चर्च की क्या खासियत है? आइडिया नहीं है इनको, आइडिया नहीं है क्या खासियत है और ये जा रहे हैं। खैर वहाँ पर जाके पता चल जाएगा, हो सकता है। ठंडी सड़क इसका नाम है बिकॉज यहाँ पर धूप नहीं आती है, दोनों साइड पेड़ है, एक साइड तो ऑफकोर्स माउंटेन है, धूप आने का सवाल ही नहीं है और दूसरी साइड पूरा पेड़ से कवर है। बाकी अभी तक तो इतने टूरिस्ट दिखे नहीं। ये क्या मेन टाउन एरिया क्या ये? वही लग रहा है ना, मेन सीज़न यहाँ पे अप्रैल में जून एकदम, मतलब जो गर्मी का टाइम होता है उस टाइम रहता है। एंड वो मोस्टली हर हिल स्टेशन का यही हाल है कि गर्मी का टाइम जो मेन सीज़न वाला टाइम होता है वो होता है। तो गाइस हम ठंडी सड़क पे वही मंदिर की ओर जा रहे थे और रास्ते में बहुत बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा दिखा है। नीचे मोस्टली टाउन है और पीछे हिमालयाज और उसके एकदम पीछे बर्फ में ढके हुए हिमालयाज, सो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। नीचे हरियाली है, उसके बाद ऊपर बर्फ़। एंड एक और बात, हम रात को जो होटल ढूँढ रहे थे, जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस ढूँढ रहे थे, होटल गीतांजलि, वो फाइनली अब मिल गया। यहाँ से ये जो रोड जा रही है ना, वो देखो वहाँ पर वो रही, पास में ही है होटल यहाँ पे। सो ये पता नहीं ऊपर से आके कहीं से रास्ता है, वो शॉर्टकट वाला फंडा हमको समझ नहीं आया, लेकिन अब घूमते घूमते फाइनली ये होटल मिल गई। बट ठीक है, अब तो अपना जुगाड़ हो गया स्टे का, कि अब चलते हैं आगे, मंदिर देखना है और एक और चर्च है यहाँ पे सेंट जॉन्स चर्च, वो देखना है। मंदिर मिला नहीं तो एक लोकल से पूछा और पता चला कि जिस पॉपुलर लक्ष्मी नारायण टेम्पल की हम बात कर रहे थे वो चंबा में है। फिर हम आ गए गांधी चौक, जहाँ सेंट जॉन्स चर्च है जो डलहौजी का सबसे पुराना चर्च है।
सो गाइस शाम के 6:30 बज रहे हैं, बस घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं डलहौजी। रास्ते में काफ़ी कमाल के नज़ारे मिले और ये नज़ारे आपको तभी मिलेंगे जब आप पैदल घूमोगे। गाड़ियों में तो यार फटाफट निकल जाएगा सब, पता भी नहीं चलेगा आपको। ये देखो जैसे ये रास्ता है, ये पूरा एकदम घूम घुमा के हम लोग आए हैं। इस रास्ते से वापस अपनी होटल की तरफ जाएगा ये रास्ता, और दोनों साइड जंगल है। और एक्चुअली हमको पता भी नहीं चल रहा है रास्ता है या नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है रास्ता है भाई। क्या है आगे वही रास्ता नहीं है ये, आगे कुछ नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। पता है जो ऊपर वाला रास्ता था ना, जो ऊपर की साइड जा रहा था वो होगा। आगे से रास्ता दिख रहा है यार, रास्ता तो भाई है लेकिन यार कितना कच्चा रास्ता है ये, मेरे को नहीं लग रहा सही रास्ता है ये। चलो ऊपर ये आगे चल के देखते हैं, अभी तो रात हुई नहीं है भाई, लेकिन फिर भी ऊपर चलते हैं वापस। तो होना चाहिए रास्ता यार यहाँ से, देख सड़क तो बनी हुई है ये। अरे बनी हुई है लेकिन गोला से हिसाब से अपने कहाँ जा रहे हैं, रास्ते से अलग ही भटक रहे हैं। वो फिर ऊपर वाली सड़क तो नहीं है कहीं, नहीं मेरे को लग रहा है। देखते हैं थोड़ा आगे चल के, वरना वापस रिटर्न आ जाएंगे, अभी तो रात हुई नहीं है। रिटर्न के लिए पूरा नीचे भी एक रास्ता दिख रहा है। ये भाई डियर आ गए यहाँ तो, डियर नहीं गाय है, आदमी है। चलो 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 आदमी है आगे, मतलब रास्ता तो है कोई ना कोई। हाँ पूछते हैं ना, आगे आदमी दिख रहे हैं। ये आगे से शहर का रास्ता है क्या? कहाँ जाना है आपने? सेंट पैट्रिक चर्च। मनु कहाँ है? ऊपर सवा चौक में एक चर्च, वो भी तो है, एक नीचे भी है चर्च। तो यहाँ से है क्या उसका रास्ता? कहाँ पे ठहरे? कहाँ चले जाना ना? हम तो ठहरे मनी महेश है ना, मनी महेश। तो यहाँ से रास्ता है आगे से नीचे जाओ, फिर नीचे से ना ऊपर को जाना, नीचे नहीं जाना। अच्छा नीचे से ऊपर मेन रोड है ना, ऊपर से सीधे बस स्टैंड। अच्छा ठीक ठीक है, थैंक यू। अच्छा सो गाइस कंफर्म हो गया ये रास्ता है, थोड़ा सा ख़राब रास्ता है ऑल दो, बट रास्ता है ये। एक रास्ता ऊपर से भी जा रहा था और एक ये नीचे से रास्ता है। सो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, कितना लंबा है आगे क्या है। तो चलो थोड़ी सी पक्की सड़क भी मिल गई, अब गाड़ी भी एक जाती हुई दिख गई। तो हमको यहाँ से आगे नीचे के बदले वापस ऊपर जाना है, तो जो मेन अपना टाउन एरिया है वो आ जाएगा। ये क्या है यहाँ पे? ये है क्या? ये कुछ और ही है, और नीचे जाना है फिर भाई, वापस चढ़ना पड़ेगा अपने को। अच्छा सा ऐसा लग रहा है मेरे को, चलते हैं अब। एनीवे जितना नीचे आए गए हैं तो चढ़ना तो पड़ेगा ही वापस, काफ़ी स्टीप रास्ता है ये। हालत ख़राब हो जाएगी वापस अगर वापस चढ़ने में। हाँ हालत ख़राब होगी वापस चढ़ने में, फूटे फूटे घर है यहाँ पे आसपास में। सो गाइस यहाँ पे नीचे पहुँचे हैं हम, इस रास्ते से आए थे एकदम पूरा नीचे उतर उतर के। और यहाँ पे ये देखो ये बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, पठानकोट बनीखेत के लिए वो साइड, और उसके बाद में एक नीचे एक और रास्ता है भाई। पठानकोट बनीखेत तो अपना वो बाहर की साइड हो जाएगा वापस। हाँ लेकिन वो भी है ना, उन्होंने ये भी बोला था कि नीचे से लेफ्ट लेना, अपन ने लेफ्ट लिया है तो मोस्टली वापस शायद टाउन एरिया ही आएगा यहाँ पे। देखते हैं चल के आगे। ये चर्च आ गया एकदम कहाँ सुनसान इलाके में बना हुआ है, मिलिट्री एरिया है ये एक्चुअली। हाँ ये मेन पक्की रोड आ गई एकदम। हाँ ये वो सड़क है मेरे हिसाब से जो मैप में बता रहा है, है ना? और चर्च बंद है। चर्च बंद है, चलो बाहर से ही देख लेते हैं, ठीक ठाक ही दिख रहा है चर्च तो। ये देखो ये वो पक्की सड़क जो गूगल मैप से बता रहा था, और हम आए हैं वो पीछे कच्ची सड़क थी वहाँ से हम लोग आए हैं, बट रास्ता मिल गया। चर्च देखने आए थे वो तो बंद है, तो ठीक है बाहर से देख लेंगे और क्या। ठीक है भाई यहाँ से कुर्बानी ATM ये रहा, SBI का ATM है यहाँ पे। और ये देखो चर्च ये रहा। सो हम काफी नीचे आ गए यहाँ से, हमको जहाँ जाना है हमारा जहाँ पे हॉस्टल है वो अराउंड 1.5 किलोमीटर है। वापस ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर, हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी यार घूमने का मज़ा तो ऐसे ही है, ये जो मज़ा है ना
चल के ही आएगा ये। हर एक चीज़ मतलब छोटी छोटी चीज़ आप ऐसे देख सकते हो, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इससे हमें भी कंटेंट इम्प्रूव करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा।